हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डेली 11 बजे आप लोगों के लिए एक शानदार क्लास आती है आपके लिए नंबर सिस्टम यहां चल रहा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक प्यारे भाइयों और बहनों तक जहां तक भी ये पहुंचा सके आप चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत से सेशन की हमेशा की तरह तो चलिएगा आपको पता है नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है आज पार्ट टू है कल हमने पार्ट वन में बहुत सारी चीजें सीखी और आज हम इस पार्ट टू को कवर करने वाले हैं अन अकेडमी पर आपको जाना है जहां पर आपको मेरा प्लस कोर्स भी मिलेगा जहां मैं कंप्लीट मैथ को पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से हर एक पार्ट को हम कवर कर रहे हैं ना केवल मेरी विषय आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली है अन अकेडमी पर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है और साहिल टेन एज ए कोड आपको लगा देना है अब जैसे ही आप साहिल टेन लगाओगे मैं ये विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेना आपको याद रहेगा सब आज क्यों ले लेना कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऑफर आप लोगों के लिए डेफिनेटली है और खबर भी मिल जाएगी आपको जल्दी ही तो साहिल टेन ऐसे ए कोड लगाकर आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेना मजा आ जाएगा सुनकर खबर क्या है सब्सक्रिप्शन आज ही ले लेना मैं बता रहा हूं ठीक है बिगनर टू एक्सपर्ट बैच आपके सामने है और सब फाउंडेशन बैच साथ के साथ पाइप और सिस्टम चलेगा कल सुबह नौ बजे से नए साल पर एक जनवरी है और नया साल है यू कहूं तो अगले साल की पहली सुबह नौ बजे पाइप और सिस्टम हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज टेस्ट में नया टॉपिक शुरू होगा ठीक है डियर स्टूडेंट साथ के साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूं तीन बजे अपना कैच द मैथ होने वाला है हमेशा की तरह आपको पता है कि तीन बजे दोपहर में तीन बजे आपका कैच द मैथ होता है इसे अब एक नया नए साल का रिजोल्यूशन ले लेना आप लोग कि तीन बजे कैच द मैथ हमें जरूर लगाना है सर क्योंकि पेपर में प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे हमेशा की तरह हाँ भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आऊंगा रात को आऊंगा ठीक है चलिए सुबह नौ बजे टॉपिक वाइज पी वाई क्यू ग्यारह बजे टारगेट द मैथ साढ़े बारह बजे आपका प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूं दो बजे फाउंडेशन होगा और तीन बजे कैच द मैथ होगा ये तो रेगुलर टाइम टेबल है जो चलता है लेकिन हर फ्राइडे को एक चीज और होती है जिसका नाम है मेला और मेला दिलों का आता है और फ्राइडे को आता है फिर अगले फ्राइडे को आता है ठीक है माय डियर स्टूडेंट तो चलिएगा मेले में क्या होने वाला है देखिएगा शिफ्ट ये तो साढ़े बारह बजे है ना पेपर सोला मेले में होगा पांच बजे अपना यूनिट डिजिट हूं और सही तरह के प्रश्न कराने वाला हूं अच्छी बात है छोटे छोटे दस मिनट के वीडियो होंगे पांच बज के तीस मिनट पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड यानी कि बीज गणित के क्वेश्चन आते हैं ना के होल स्क्वायर पर बेस्ड वो हम पांच बजे करने वाले हैं छह बजे टिक्नोमेट्री के दस प्रश्न कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दस प्रश्न कराऊंगा केवल ज्यादा नहीं कराऊंगा वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं जिससे कि दस से बारह मिनट की वीडियो बन जाए आराम से और साढ़े छह बजे में एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं तो हमेशा की तरह हर बार की तरह इस बार भी बहुत कुछ मजा आएगा और हर एक सेशन को चुन चुन कर आपके लिए रखा जाता है अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में मैंने कुछ होमवर्क आपको दिए थे उन होमवर्क को सबसे पहले डिस्कशन करते हैं फिर आगे बहुत कुछ सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखा होमवर्क में मैंने रोमन नंबर को बदलने के लिए दिया था सेवन नाइनटी सेवन है ना एक दिया था मैंने आपको वन वन थ्री और एट थर्टी सेवन वन सेवन नाइन और सिक्स फाइव नाइन यही थे ना पांच यही पांच क्वेश्चन थे चलो आइए सर आइए सेवन नाइनटी सेवन को आपको तरीका बताया था मैंने पहले ही कैसे लिखना है कि आप ये सात है तो ये तो इकाई का अंक है ये नौ है तो ये नब्बे है और ये सात है तो ये सात सौ है ऐसे लिखते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा तो ये सात है तो सात को कैसे लिखा जाएगा पांच छह सात नब्बे को लिखा जाएगा सौ माइनस दस यानी कि दस का होता है एक्स और सौ का होता है कितना एल सी तो एक्स सी हो जाएगा एल सी डी एम होता है ना एल सी डी एम तो मैं ऐसे याद रखा हूं पचास सौ पांच सौ और हजार ऐसे तो याद है सी होता है सौ तो एक्स सी आ जाएगा और सात सौ को कैसे लिखोगे पांच सौ प्लस का सौ प्लस का सौ कोई इशू नहीं है तो पांच सौ को क्या कहा एल सी डी डी सी सी आपका जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा डी सी सी एक्स सी वी डबल आई सबका सही है क्या चेक कर लीजिए प्लीज डी डबल सी ओ है ना एक्स सी ओके बहुत अच्छा लग रहा है आंसर आया आपका इसको कैसे लिखोगे सर तीन है एक को आप लिख रहे हो दस एक को आप लिख रहे हो सौ सौ को क्या लिखते हो सी इसको लिखते हो एक्स और इसको लिखते हो तीन बस सी एक्स ट्रिपल आए इजी है ना ओके सेवन को लिखोगे सेवन तीन को लिखोगे तीस अब ढंग से देखना और आठ को लिखोगे कितना आठ सौ तो आठ सौ को लिख दिया पांच सौ प्लस तीन सौ तो पांच सौ को क्या बोलते हैं एल सी डी तीन सौ सी 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 तो आठ सौ तो ये हो गया एल सी डी एम होता है तो पांच सौ और सी 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 तीन सौ आठ सौ और तीस को क्या लिखोगे दस 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 ट्रिपल एक्स और सात को क्या लिखोगे पांच दो सात इतना बड़ा नाम आ रहा है मतलब इतना बड़ा ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ रहा है डी ट्रिपल सी ट्रिपल एक्स वी डबल आई बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे हो नाइन को क्या लिखना है टेन माइनस वन एज यू नो सेवन को सेवन सत्तर और एक को सौ तो सौ का क्या हो जाता है एल सी डी सी सत्तर को क्या लिखोगे पचास प्लस तो एल का होता है एल एक्स एक्स साठ सत्तर और वन आई मतलब आई एक्स तो सी एल एक्स एक्स आई एक्स क्लियर है ठीक है चलिए आइए सिक्स फाइव नाइन नाइन का क्या होता है टेन माइनस का वन पांच का क्या होता है पचास 6 का क्या होता है छ सौ पांच सौ सौ पांच सौ का क्या हो जाएगा एल सी डी और सी छह हो गया पचास को तो आप लिख सकते हो एल और आई एक्स तो डी सी एल आई एक्स तो क्या सारे के सारे आपके सही हैं यस yes, या नो no में जवाब दे दो रोमन नंबर का आप कहीं अब तकलीफ नहीं आएगा पेपर में आ जाता है तो परेशान भी नहीं होना है अब आपको आप हर किसी चीज को कर सकते हैं तो मैंने आपको रोमन नंबर सिस्टम बता दिया है आइए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए रोमन नंबर सिस्टम के बाद में बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी का नाम ही बाइनरी है बाइनरी बाइनरी मतलब केवल दो ही आउटपुट आते हैं अब दो आउटपुट आप एक और जीरो के तौर पर लेते इसलिए यहां दो संख्याएं होती हैं आप आपने देखा होगा अक्सर डेसिमल को आप कैसे लिखते हो डेसिमल को आप लिखते हो ब्रैकेट टेन आप ऑक्टल को लिखते हो ब्रैकेट के साइड में एट आप हेक्सा डेसिमल को लिखते हेक्सा डेसिमल को लिखते हो ब्रैकेट के बगल में सोलह आप ये सारी चीजें लिखते हो मुझे पता है और लिखना जरूरी भी है ठीक है ना चलिए क्योंकि आप किसी भी ब्रैकेट के बाद कोई संख्या लिखने के बाद अगर आप उसका नोटेशन लिख रहे हो तो वो पता लगाता है कि वह कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है सर इसका मतलब आप बताएंगे क्या डेफिनेटली आपको मतलब बताएंगे हम अब हम ये कहते हैं सर टू है तो टू है तो आपकी जो संख्याएं होंगी दो से छोटी होंगी तो दो से छोटे केवल दो ही अंक हैं जीरो और एक अगर दस है तो आपको यह याद रखना होगा कि दस है तो दस से छोटे जितने भी अंक हैं जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ ये आ सकते हैं तभी तो आपने देखा होगा डेसिमल में कोई भी संख्या बन सकती है ठीक है आठ की बात करते हैं तो केवल यहां सात तक आ सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात मतलब सात तक आने का मतलब है तो आठ ही अंक लेकिन आठ नहीं आएगा मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो जीरो से लेके सेवन तक अगर आपका डेसिमल है तो जीरो से लेके नाइन तक अगर बाइनरी है तो जीरो और वन इनके अलावा कुछ और नंबर नहीं बनता है आप नोटिस करके चुके होंगे कई बार तो ये क्या है बेस जो नंबर है वो नंबर सिस्टम को बताता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की संख्या है ये बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है ये डेसिमल नंबर सिस्टम की संख्या है ये सब ठीक है अब 16 की बात करेंगे तो यहां हम देखते हैं जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ यहां तक तो आप ठीक है अब स्टार्ट हो जाता है क्या ए बी सी डी तो देखो भाई दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ए बी सी डी ई एफ ठीक है ए से लेके एफ तक और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन आप समझ जाना कि ये दस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्यारह को और ये बारह को ये तेरह सॉरी ये ग्यारह को ये बारह को ये तेरह को ये चौदह को ये पंद्रह को और ये सोलह को रिप्रेजेंटेशन को ये लिखा जाता है अगर कल को नंबर आ जाए तो ए से लेके एफ तक ठीक है माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रही है बात हाँ तो यहां तक आपको क्लियर हो गया सारा का सारा सिस्टम ये आपके नंबर सिस्टम के पार्ट हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अब सर लॉजिक क्या है इनका वो भी आप हमें बताइए आइए तो सबसे पहला लॉजिक निकल निकलकर आता है डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि आपको टेन से आपको कहां जाना है दो पर जाना है यानी कि टेन क्या बताता है डेसिमल नंबर सिस्टम और यहां बाइन दो क्या बताता है बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है तो जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई संख्या दे दी जैसे कि मैंने आपको फोर्टी सेवन दे दिया दिस इज द अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे लिख दिया इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आपका बाइनरी क्या कहता है कि भाई मैं केवल अपने जो इनपुट होगा मेरे अंदर जो इनपुट आएंगे वो किस रिप्रेजेंटेशन में आएंगे वो निकल कर आएंगे जीरो और एक में ओके okay. तभी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी जिंदगी में कि आप एक जीरो और एक पाना चाहते हो आप तो आप कैसी संख्या से डिवाइड करोगे दो से क्योंकि आप नीचे डिवीजन जिससे भी करोगे ना उससे छोटे ही शेषफल ऊपर आ सकते हैं हां एग्जाम्पल जैसे कि मैं मानता हूं कि मैंने अगर आठ से डिवाइड किया तो मैं ऊपर देखो कितने रिमाइंडर पा सकता हूं रिमाइंडर पा सकता हूं नहीं मैं जीरो से लेके सेवन तक ही पा पाऊंगा क्योंकि आठ अगर आ गया तो वो तो रिमाइंडर देगा ही नहीं वो तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो अगर मैं क्या बोल रहे हो सर सोलह कैसे सर पंद्रह तक होगा ना बुद्धि नहीं लगाते हो डियर सोलह तक इसलिए होगा क्योंकि एक्चुअल में काउंटिंग में जीरो भी तो आ रहा है इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान है ना हाँ मतलब दस तक ले लो हाँ बात वही है मतलब ये मैं काउंटिंग बता रहा हूं राइट मैं ये नंबर नहीं बता रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो बात को ये मैंने काउंटिंग बताई है आपको कि ये भाई सोलह है संख्याएं हैं जिस तरह से यहां आठ हैं जिस तरह से यहां पर दस है इस तरह से सोलह है एक्चुअल में नौ के बाद तो दस ही आएगा ना वो इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है माफ कीजिएगा ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये दस है ये रिप्रेजेंट अगर करवा रहे हो तो ये दस ग्यारह बारह तेरह एक कम तक चलता है ये आप भी जानते हैं ये तो मैं काउंटिंग आपको करवा रहा हूं कि सोलह तक काउंटिंग आपकी चल रही है क्योंकि नौ के बाद तो दस ही आएगा ऐसे काउंटिंग करवा रहा हूं ठीक है काउंटिंग है ना सोलह सोलह आ गए जिस तरह से इसमें आठ आ गए तो सिस्टम में कितने अंक है वो सोलह हैं यहां पर ऐसे काउंटिंग करवा रहा ठीक है चलिए वो नंबर अगर उसको नोटेशन दोगे तो दस से शुरू होगा वो क्योंकि नौ तक चल रहा है ना हाँ ठीक है समझ में आ रही है ना बात अगर नोटेशन दोगे तो दस से शुरू होगा और काउंटिंग देखोगे तो यहां एक से शुरू होगी काउंटिंग समझ में आ रही है इसलिए वहां वो ग्यारह बारह लिखा गया हाई आगे चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां में था और मुझे दो बाइनरी में बदलना है आप मुझे बताओ कि मैं सैतालीस में किसका डिवाइड करूं फोर्टी सेवन में आप दो का डिवाइड करिए अब जो भी डिवाइड करते हो उसके बाद एक शेषफल बनेगा हमेशा तो जैसे ही आप डिवाइड कर रहे हो तो यहां आपका बच गया तेईस बार भाग गया शेषफल एक आ गया फिर आपने दो का डिवाइड किया ग्यारह बार भाग गया फिर एक आ गया फिर आपने दो का डिवाइड किया पांच बार भाग गया फिर एक आ गया फिर आपने दो का डिवाइड किया दो बार भाग गया फिर एक आ गया फिर आपने दो को डिवाइड किया एक बार भाग गया शेषफल जीरो आ गया है? और आपको बाइनरी जब लिखना होता है तो आप हमेशा नीचे से ऊपर लिखते हैं यानी कि आप अगर संख्या को लिखेंगे तो जीरो वन 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 जीरो चार बार एक अब आपके मन में यह आ रहा होगा सर क्या हम दो से दोबारा डिवाइड नहीं दे सकते क्या आप कहोगे जी बिल्कुल देना है आपका जीरो बार गया और एक आया तो ये आपका जो भागफल बचता है उसको भी आपको भाग देना है यानी कि पूरे एंड तक आपको ये लेना होगा कहां तक लेना होगा पूरा एंड तक वन जीरो वन वन नीचे से ऊपर वन जीरो वन 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 तो लास्ट तक लेना है जब तक कि भागफल जीरो ना हो जाए जब तक कोशंट जीरो ना हो जाए आपको कोशंट वन नहीं रखना समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को चलिए क्लियर है आइए समझ में आया अगला क्वेश्चन आप लोग करें 98 को बाइनरी में बदले चलिए 98 को बाइनरी में बदलिए क्या होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में 98 क्या होगा चलिए जवाब दीजिए सब मैंने जब टू से डिवाइड किया तो फोर्टी नाइन बार गया और रिमाइंडर आया जीरो अड़तालीस रिमाइंडर आया एक फिर मैंने टू से डिवाइड किया कितनी बार गया बारह बार रिमाइंडर आया जीरो फिर दो से किया कितना आया छे बार फिर आया जीरो दो से किया कितना आया तीन बार जीरो दो से किया कितना आया एक बार एक दो से किया कितनी बार जीरो बार रिमाइंडर आया एक क्वेश्चन जीरो करना है तो आप यह देखेंगे कि यह कितना निकलकर आ रहा है ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक आप जाएंगे एल वन वन जीरो आपका क्या है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वन वन ट्रिपल जीरो वन जीरो वन वन ट्रिपल जीरो वन जीरो इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन गॉट इट माई डियर स्टूडेंट्स किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है चलिए सर ये ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल वो सीखेंगे ठीक है चलिए आइए आ जाओ एक और कन्वर्जन कर लेते हैं वन फोर्टी सेवन का डेसिमल से लेकर बाइनरी में बताइए क्या होगा आप लोग खुद बताएं एक बार ट्राई करें फिर आगे चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ सर जी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे गुलशन वो आगे आएगा लेकिन अभी आप इस चीज को पूछ रहे हो बार बार शायद आप इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो जब वो आएगा तब आप ये पूछोगे तब उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे इस तरह से आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे एंड तक जो चल रहा है उस पर फोकस करिए अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अगली क्लासेस में आएंगे या नहीं आएंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं भाई वन फोर्टी सेवन है आपके पास दो का आपने डिवाइड किया दो सत्ते चौदह दो बार रिमाइंडर आ गया ना दो का फिर डिवाइड किया तो ये हो गया छत्तीस दूनी बेहतर रिमाइंडर आ गया एक दो का फिर किया अठारह बार रिमाइंडर आ गया जीरो दो का फिर करेंगे डिवाइड नौ बार रिमाइंडर आएगा जीरो दो का फिर करेंगे चार बार रिमाइंडर आएगा एक दो का फिर करेंगे दो बार रिमाइंडर आएगा जीरो दो का फिर करेंगे एक बार रिमाइंडर आएगा जीरो ठीक है और फिर दो का फिर करेंगे फिर कितनी बार जा रहा है जीरो बार रिमाइंडर आएगा एक तो सब रिमाइंडर यहां लेने हैं तो आपका क्या बन गया वन नीचे से ऊपर लेना होता है वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन 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 डबल जीरो वन वन डबल जीरो वन वन यहां तक सर हो गया है आगे बात करते हैं अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको बाइनरी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए यानी कि उस संख्या को डेसिमल में बदलकर बताइए क्या होगी तो क्या करोगे अब आप कहा जा रहे हो अब आप दो से दस में जा रहे हो आप क्या कर रहे हो आप दो से दस में जा रहे हो आप क्या कर रहे हो दो से दस में जा रहे हो यानी कि आप अगर मैं इनपुट के तौर पर देखता हूं तो ये कुछ ना कुछ संख्या होगी कन्वर्जन कैसे होता है जैसे कि मैंने आपको सामने लिख दिया Uh, सबसे पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में वन जीरो मैंने ले लिया एग्जाम्पल ठीक है ये मैं मेरा बाइनरी है और अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं डेसिमल में तो कृपया करके आप सब लोग ध्यान से देखना कुछ भी नहीं है अलग आपको जब कभी भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कौन सा नंबर सिस्टम है ये बाइनरी नंबर सिस्टम तो यहां आपको दिख जाएगा दो है ना तो दो को ही ले लो मैदान में आ जाओ भाई दो आ जाओ अब दो को क्या लिख दो दो की पावर जीरो से शुरू कर दो ये दो क्यों लिया मैं दोबारा बोलता हूं कृपया करके शांति से सुने क्योंकि जब मैं अभी ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बताऊंगा ना तब आपको तकलीफ होगी फिर और कुछ भी नहीं है मैं बता रहा हूं फिर भी तो आपके सामने बहुत प्यारी चीजें आने वाली हैं कि जब आपको पता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो किसी भी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो इवन कोई भी नंबर हो जाए तो आपको क्या करना है जब आपने दो से डिवाइड करके डेसिमल बनाया तो आप दो से गुणा करना है अपन को लेकिन कैसे तो टू की पावर जीरो कहां से आया क्योंकि बेस दो है फिर आप लिख दो टू की पावर वन फिर आप लिख दो टू की पावर टू लेकिन ये कहां तक लिखें सर कैसे पता चलेगा तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा फिर क्या करेंगे प्लीज आ जाओ जब आपने अगर इंजीनियरिंग की होगी या फिर आपने बीएससी करी होगी तो आपने एक चीज पढ़ा होगा सिग्नल है ना बाइनरी केवल दो ही सिग्नल देता है ट्रू और फॉल्स ठीक है अगर मैं कहता हूं कि यहां मुझे एक मिल रहा है इसका मतलब बत्ती ऑन है यानी कि टू की पावर जीरो का कॉफिशेंट से गुणा होगा एक का इसके बाद यहां भी एक है तो टू की पावर वन का भी मुझे गुणा होगा एक से क्योंकि तो एक है ना सिग्नल टू की पावर टू का यहां बस पावर बढ़ती जाएगी टू की उसका भी एक क्योंकि सिग्नल एक है मतलब टू तो की पावर फाइव एनी प्रॉब्लम तो कुल मिलाकर सबको एड करना होता है बस तो टू की पावर जीरो ये तो वन ही हो गया ये टू हो गया ये चार हो गया ये आठ हो गया और बार यहां से तो कुछ आएगा नहीं सोलह बत्तीस आएगा तो बत्तीस दस और पंद्रह तो सैतालीस आ गया तो आपने देख लीजिए इसको डेसिमल में लिख दिया यानी कि आपने इस बाइनरी नोटेशन को सैतालीस बदल दिया है ना जीरो वाला सिग्नल हटा देना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा जीरो वाले सिग्नल को लेना ही नहीं है हटा देना है उसको ठीक है अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं फटाफट फिर आगे चलेंगे ठीक है कुछ भी नहीं है इसमें है ना जैसे कि मैंने लिख दिया वन वन जीरो वन अब मुझे आप इसको बदल के बताओ बाइनरी से डेसिमल में तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना होने देंगे आराम से आप बताइए रोमन बता दिया अब आप आगे चलेंगे फिर अपन अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कैसे करोगे भाई सर देखो यहां टू की पावर जीरो का सिग्नल आता है और वो वन आ रहा है अच्छी बात है प्लस यहाँ टू की पावर वन जो है वो जीरो आ रहा है अच्छी बात है तो टू की पावर टू वन आ रहा है अच्छी बात है ऐसे बढ़ता चलना है टू की पावर थ्री वन आ रहा है अच्छी बात है तो यहां कितना हो गया सर ये हो गया वन ये हो गया जीरो ये हो गया चार और ये हो गया आठ और बारह और तेरह तो क्या है थर्टीन है तो ये डेसिमल में क्या है थर्टीन है आपका उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं आगे आपसे बोला जा सकता है कई बार कि डेसिमल को डेसिमल टू ऑक्टल बदलिए जैसे कि मैंने बोल दिया आ, शिक्स्टी, शिक्स्टी सेवन ये डेसिमल में है यू हैव टू कन्वर्ट इन ऑक्टल नंबर सिस्टम चलिए क्या करोगे जैसे कि नियम बताया गया है जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी जो है वो दो देता है नोटेशन तो दो से डिवाइड कर रहे थे अगर अब आप ऑक्टल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आठ से डिवाइड करना पड़ेगा तो आठ आठ चौसठ कैरी आया मतलब तो रिमाइंडर आया तीन आठ एकम आठ रिमाइंडर आया कितना जीरो आठ से तो जीरो बार और रिमाइंडर आया एक तो आपने जब कन्वर्जन किया इट विल बिकम वन जीरो थ्री क्या बना वन जीरो थ्री हाँ अब वन जीरो थ्री को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो कैसे करोगे जीरो थ्री इज एन ऑक्टल नंबर इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई बोलो बोलो क्या करोगे तो सर मैं ये जानता हूं और मैं बता सकता हूं कि यहां आठ है तो आठ की पावर जीरो को तीन से गुणा करूंगा प्लस आठ की पावर वन को जीरो से गुणा करूंगा और आठ की पावर दो को एक से गुणा करूंगा आठ की पावर जीरो आठ की पावर वन की पावर दो तो यहां से देखोगे तो आठ की पावर जीरो एक इंटू तीन तीन ये तो शून्य हो गया और ये हो गया चौसठ तो चौसठ और तीन सड़सठ कन्वर्ट दोनों तरफ कर सकते हो आप गॉट इट चीजें क्लियर हैं समझ में आ गया अगर ऑक्टल है तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसीमल है तो हेक्साडेसिमल डेसीमल अच्छा यानी कि सर अगर आप ये कहते हो हमसे 98 एट को कन्वर्ट करिए यू हैव टू कन्वर्ट इन आप बोल सकते हैं ट्रिपल नंबर सिस्टम कुछ भी बोल सकते हैं है ना बताओ क्या होगा करो तो कैसे करोगे सर 98 को मैं तीन से डिवाइड करूंगा तीन से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है रिमाइंडर देखता हूं तो छियान में दो आ रहा है और तीन से फिर डिवाइड करूंगा तो सत, नौ सत्ताईस और दस दस बार तो फिर दो आ रहा है फिर तीन से फिर करूंगा तो तीन तिया नौ है ना तीन तीन नौ बचा एक फिर तीन से फिर करूंगा एक बार रिमाइंडर जीरो फिर तीन से करूंगा जीरो बार रिमाइंडर आया एक तो आपका जो ये हो गया नीचे से ऊपर वन जीरो वन टू टू तो आप किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं मेथड वन जीरो वन टू टू और अगर आपको कन्वर्ट करना हो वन जीरो वन टू टू को तरीका क्या बताया था कि जैसे कि यहां थ्री आ रहा है तो थ्री की पावर जीरो ले लो उसका सिग्नल दो है थ्री की पावर वन ले लो उसका भी सिग्नल दो है थ्री की पावर टू ले लो उसका सिग्नल एक है थ्री की पावर थ्री का जीरो है और थ्री की पावर फोर का एक है तो तीन तिया नौती सत्ताइसिया इक्यासी आ, जीरो आ, तीन तिया नौ तीन और दो सत्रह सॉरी अठारह नाइनटी एट तो नाइनटी एट आंसर आ गया तो अब आप किसी भी ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑक्टल पता है आपको केवल बाइनरी पता है आपको केवल हेक्साडेसिमल पता है कोई भी एनी वन ठीक है एनी वन कोई भी कर सकते हो अब एक चीज और आपको ध्यान देखनी होगी कि अब अगर जब मान लो आप बाइनरी से ऑक्टल करना चाहते हो तो आपको यह देखना होगा कि यहां जो बाइनरी है वो दो है ना यानी कि दो दो लेके चलता है और ऑक्टल आठ है तो ये टू की पावर कितना है टू की पावर थ्री है, है ना डियर तो आप इनके तीन तीन के जोड़े बना सकते हो जैसे कि मैंने लिख दिया वन वन जीरो वन वन इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे देखो ऐसे आप इसका तीन का जोड़ा बनाइए और ये बनाइए बन ही नहीं रहा कोई बात नहीं वन वन जीरो और वन वन आगे जीरो तो लगा ही सकते हो ठीक है और आपको याद होगा तरीका क्या होता है वन टू फोर एट तो यहां कितना हो जाएगा सर ये वन सिग्नल दे रहा है ये दो दे रहा है तो ये हो गया तीन इसी तरह से यहां हो जाएगा कितना वन और टू तो कितना निकल कर आ रहा है जल्दी से बता दो सेम ही आएगा आप चाहे तो इसको बाइनरी से डेसिमल में बदल लो हम रीचेक भी कर लेंगे बताओ ऑक्टल में बदल के बताओ कितना निकल कर आ रहा है अब स्टूडेंट कह रहे हैं सर थर्टी थ्री आ रहा है देखते हैं अब विश्वास कैसे करें सर बात पे तो मैं ये कहता हूं कि थर्टी थ्री आपका एक ऑक्टल है है। इसको डेसिमल में बदलना जरा इंटू तीन और की पावर यानी किसमें बदलोगे बाइनरी में, बदलो में। तो दो का भाग दे दिया तो ये हो गया कितना तेरह दूनी छब्बीस एक आया दो का भाग दे दिया दो बारह एक आया दो का भाग दे दिया तीन बार जीरो आया दो का भाग दे दिया एक रिमाइंडर आया एक बार दो का भाग दे दिया जीरो बार एक आया तो वन वन जीरो, वन वन, वन वन जीरो वन वन। देख लो। मजा आ गया क्या सब कुछ समझ में आ रहा है मैंने कुछ भी अलग नहीं करा सिंपल लॉजिक बताया है आपको यू हैव टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू ऑक्टल डायरेक्टली अगर आपको हाँ आठ चार दो एक क्या है ये रिप्रेजेंटेशन होता है ठीक है आठ को तो हम कब यूज करेंगे जब हेक्साडेसिमल की बात करेंगे राइट तो हमने दोनों ही चीजें सीख लिया हाँ आठ चार दो एक मैंने क्या लिखा जब हम हेक्सा ये वो है जैसे कि एक का सिग्नल है तो क्या देगा एक इस एक के सिग्नल पर दो आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो तीन तो तीन आ गया ऐसे है वो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं अगला क्वेश्चन देता हूं वन जीरो वन वन जीरो वन वन आप इस बाइनरी को कन्वर्ट कर दीजिए ऑक्टल में और इसी बाइनरी को वन जीरो वन वन जीरो वन वन को कन्वर्ट कर दीजिए हेक्साडेसिमल में कोई बात नहीं शांति रखो यार देखिए तुरंत हो जाता है देखो आप बस यहां लिख दो आठ चार दो एक ये क्या सिस्टम है सर बताता हूं अभी ये वही है टू की पावर जीरो वन, टु, क्योंकि आप से कन्वर्ट कर रहे हो ना इसलिए तो यहां तीन का जोड़ा बनाऊंगा क्योंकि टू की पावर थ्री में कन्वर्ट कर रहा हूं यहां भी तीन का जोड़ा बनाऊंगा अब यहां कुछ भी नहीं है तो जीरो जीरो लिख दूंगा आगे ये भी तीन का बन गया अब तीन के जोड़े में मैच क्या कर रहा है सर देखो एक पे एक आ रहा है और यहां दो आ रहा है तो इधर से तो तीन आएगा पहले वाले पेयर से कितना निकल कर आया तीन इस वाले पेयर से भी तीन निकल कर आएगा और इस वाले पेयर से एक निकल कर आएगा क्योंकि वही सिग्नल दे रहा है तो एक सौ तैंतीस वन थर्टी थ्रीजर डेमल में क्या करना है चार चार के बनाने क्यों क्योंकि टू की पावर फोर से कनेक्टेड है ना वो तो यहां चार का तो एक जीरो आगे लगा दो अब टू की पावर चार में टू की देखो यहां चार का बनाया तो देखो ये एक सिग्नल दे रहा है एक एक आया ये भी एक सिग्नल आ रहा है दो पे मैच करा दो बस दो आ रहा है जीरो आ रहा है तो चार नहीं लोगे आठ पे आ रहा है आठ तो आठ और दो दस और एक ग्यारह अब ग्यारह को क्या बोलते हैं ग्यारह को क्या बोलते हैं अभी बताया ना बी ग्यारह को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं ठीक है तो ग्यारह को लिख दो आप बी ठीक है और इधर आते हैं अब वन वन जीरो यानी कि पांच ठीक है तो फाइव बी आंसर आ रहा तो जिनका भी राइट आंसर फाइव बी आ रहा है सही है उसका एक ऑक्टल नंबर सिस्टम इसका फाइव बी नंबर सिस्टम अरे भाई सब में आएगा ये क्लियर है भाई एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मजा आ रहा है आएगा यार सब अच्छा लगेगा आपको खुद को ही अच्छा लगने वाला है देखना कोई और किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा पढ़ोगे आप तो आपको अच्छा लगेगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है यू हैव टू कन्वर्ट इन नंबर सिस्टम बताइए कोई बात नहीं आया बस साइड में यह लिख दो वन टू फोर एट बस ये लिख दो अब देखते हैं मैच कराना शुरू करो मैच कैसे कराओगे सर चार चार का जोड़ा बनाया चार चार का जोड़ा बनाया और ये दो अकेले रह गए तो इनके लिए भी ऐसे दो आगे लगा दिया ठीक है चार चार का जोड़ा बना दिया आपने ये एक चार का जोड़ा ये एक चार का जोड़ा और ये एक चार का जोड़ा यहां सिग्नल आ रहा है एक तो एक आएगा यहां सिग्नल आ रहा है च, आ, चार पर तो चार और एक पांच तो यहां हो गया पांच ठीक है इधर आया मैं केवल दो पर सिग्नल आ रहा है बाकी सब जीरो हैं तो दो इधर आया मैं इन दोनों पे सिग्नल आ रहा है दो और एक तीन तीन सौ पच्चीस थ्री ट्वेंटी फाइव हो गया ठीक है क्लियर है समझ में आ गई बात तो आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है डियर चलिए आगे चलते हैं ठीक है ये सब सीख लिया अपन ने अब आगे आ जाइए अगली हेडिंग डाल लीजिए आप ठीक है आ जाइए अगली हेडिंग डाल लीजिए कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं भाज्य संख्या इन द सेंस

तो आपको अब आसान हो गया ना गुणा करना देखना बस तो वो एक फॉर्मेट लिख दिया जाता है उससे कंपैरिजन करा लिया जाता है तो तुरंत सिग्नल पता लग जाते हैं जैसे कि एक आ रहा है तो एक लगाना है ये यहां अपना दो आ रहा है तो दो और एक तीन जोड़कर चलेगा इसी तरह से अगले पेयर में भी मैंने क्या किया यहां देखो एक आ रहा है एक दो पे जीरो है बीच वाला जीरो है चार चार के जोड़े में चार चार का कंपैरिजन करो तीन तीन की बात कर रहे हो तो तीन तीन में कंपेरिजन कर लो चार दो एक में तो आसानी से सिग्नल पता लग जाते हैं और कुछ भी नहीं है करके तुरंत जोड़ के लिख सकते हो आप हाँ नहीं पूजा मैंने वो सही किया है ना आप समझ नहीं रही हो वो यहां मैंने लिखा है ना ये ए बराबर दस है ए बराबर दस होगा ना नौ के बाद दस ही आएगा हा चलिए तुरंत इजी कर दिया जाता है ना और कुछ भी नहीं है आप इतना इतनी आसानी से आपने समझ ही लिया है सब तो इतना उसमें दिक्कत क्या है एक आध एग्जाम्पल और करवाऊ क्या हां एक आध एग्जाम्पल और करवा, हाँ. एक करवा दू क्या ले लो वन जीरो वन वन जीरो वन 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 लीजिए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताओ ठीक है बाइनरी हाँ, से ऑक्टल में कन्वर्ट कर, कन्वर्ट करके बताओ और बी सेवन एग्जाडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ आराम से समझाऊंगा आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो मैं हूं ना भाई एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन ये आते हैं कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल बस ये आपको क्वेश्चन दे देगा चार ऑप्शन दे देगा हो गया क्वेश्चन तो आप क्या करोगे यहां तीन तीन का पेयर बनाओगे आपको बता है ना मैंने बोला था आपको तीन तीन का जोड़ा बनाना पड़ता है ऑक्टल है ना इसलिए टू की पावर थ्री से रिलेशन रख रहा है ऐसे बना सकते हो ओके लो दो जीरो आगे लगा दिया तीन तीन का अब यहां मैं जानता हूं वन टू फोर का मतलब है तो यहां सिग्नल देखो कितना आ रहा है पूरा पूरे सभी पे ग्रीन सिग्नल है चार और तीन चार और तीन सात सात यहां पर भी मैं फोर टू वन जमा दूंगा यहां केवल दो पर ही है तो दो और एक तीन तीन यहां पर भी मैं टू जमा दूंगा यहां पर दो और एक पर तीन और यहां पर भी मैं टू जमा दूंगा तो एक पर सिग्नल एक आ रहा है तो एक ऐसा है कठिन है है क्या कठिन है क्या टफ मेरे को तो नहीं लग रहा भाई आपको क्यों लग रहा है पता नहीं ठीक है रख के नीचे जमा के देखो अब यहां क्या कर रहे हो आप डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे हो क्या करोगे कुछ नहीं वही एट फोर टू वन रखोगे और यहां बी को आप जानते हो बी क्या होता है ग्यारह बी क्या होता है ग्यारह होता है ना ठीक है तो इसको साइड में लिख दो ग्यारह और यहां भी लिख दो एट फोर टू वन तो अब आप मुझे बताओ इस कॉम्बिनेशन में सात कब आ सकता है जब ये तीनों रेड हो तीनों ग्रीन हो बस तो वन 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 जीरो बन गया सात को लिख दिया अब ग्यारह कब आ सकता है सर ये तीनों हो जाओ चार को छोड़कर तो वन जीरो वन वन तो ये आपका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो जाएगा मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ ठीक है एक और करोगे लो करो फिर डी सेवन बी एग्जैक्ट डेसिमल में है यू हैव टू कन्वर्ट इन बाइनरी अब यहां चार 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 बारह सिग्नल बनेंगे बारह सिग्नल कैसे बनेंगे भाई बी का तो आप जान ही चुके हो सेम ही रहेगा ग्यारह होता है ग्यारह का क्या रहेगा वन जीरो वन वन सात का भी आप जान चुके हो यही रहेगा जीरो ट्रिपल वन अब डी का बताओ क्या होगा सर देखो एबीसीडी है ए आपका दस बी आपका ग्यारह सी आपका बारह और डी आपका तेरह अब डी तेरा बनाओ आप आठ चार दो एक से तेरा कब बनता है बताओ डी तेरा हो गया ना हाँ सर बी बारह नहीं होगा अरे होगा ना अंजलि क्या बार बार एक ही चीज पे अड़ी पड़ी हो यार ग्यारह होगा क्यों होगा बारह बता दिया दस बार बता दिया मतलब बुद्धि में बैठ नहीं रहा पता नहीं क्या बवाल है समझ में नहीं आ रहा यहां मैंने वो बदल तो दिया था बीच में सोने चले जाते हो क्या तुम लोग यार मैं बोल तो रहा हूं कि नौ है दस ग्यारह बारह ऐसे चलता है नंबर नौ के बाद दस आता है तो दस ग्यारह बारह डी तेरह है ये है बात बार बार एक ही चीज को दस बार बोल चुका हूं लेकिन फिर भी एक ही चीज पूछनी है बार बार अब तेरह को क्या लिखोगे तेरा समझ में नहीं आ रहा बताओ यार तो यहां देखो आठ और चार बारह और एक तेरह यानी कि दो को खाना पड़ेगा बीच में अरे वाह यानी कि वन वन जीरो वन क्लियर है भाई मजा आ रहा है उड़ा दिया ना सीख लिया ना चलिए तो ये क्या ऐसी चीज है जो नंबर पक्के कर गई आपकी अब अब आपको टेंशन नहीं नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर को क्या बोलते हैं हम भाज्य संख्या एक ही लाइन में डेफिनेशन बता दो ऐसी संख्या जिसके मोर देन टू फैक्टर हो ऐसी संख्या कंपोजिट संख्या कहलाती है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो भाई सेशन को लाइक जरूर करें तो हम यहां कह सकते हैं मोर देन टू फैक्टर्स जिसके होते हैं वही कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है अच्छा तो यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप लिखना चाहोगे तो आप ये चेक कर सकते हो एक की बात करते हैं क्या एक के कोई दो से ज्यादा फैक्टर हैं क्या पॉसिबल नहीं है दो के क्या दो से ज्यादा फैक्टर हैं क्या नहीं दो का केवल एक फैक्टर है और दो है आपस में तो दो ही है दो से ज्यादा होने चाहिए तीन का कोई दो से ज्यादा फैक्टर है क्या एक तीन नहीं है चार का है क्या हाँ चार का है एक है दो है और चार खुद है तो सबसे छोटी सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर क्या है चार है ठीक है सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर क्या है चार है समझ में आ रही है बात ओके तो अगर आप स्मॉलेस्ट कंपोज़िट नंबर की बात करोगे तो चार है उसके बाद छह है उसके बाद आठ है और एक्सेट्रा ऐसे आगे चलते जाते हैं लेकिन आप एक ही डेफिनेशन से कॉम्पोजिट नंबर को समझ सकते हो वो डेफिनेशन क्या है अगर कॉम्पोजिट नंबर कोई भी नंबर भाज्य संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है दो से ज्यादा फैक्टर वाले कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं सिंपल है ना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को होनी नहीं चाहिए भाई बढ़िया तरीके से चलिए किसी को कोई इश्यू तो नहीं है बहुत बढ़िया यार आइए सेशन को लाइक वाइक करते रहेंगे आप आगे बहुत सारी है अब आते हैं अपन मेन मेजर चीज प्राइम नंबर पर अब प्राइम नंबर की एक लाइन में डेफिनेशन जो कमेंट में लिख देगा बहुत अच्छी बात लगेगी मुझे और प्राइम नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है अभाज्य संख्या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है पेपर में तो बताइए प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है तो प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं मेरे दोस्तों तो प्राइम नंबर क्या होगा ओनली टू फैक्टर यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके केवल दो फैक्टर हो अरे नहीं गलत डेफिनेशन बोलते हो आप यार एक से डिविजिबल हो फिर दो से हो और खुद से हो ना प्रॉपर प्रॉपर आपसे बोले कि भाई दो शब्दों में जवाब दीजिए आप ओनली टू फैक्टर बस अब आप लड़ लो किसी से भी चाहे एक बात बोल दिया करो आप ऐसे बोला करो ओनली टू फैक्टर उसके बाद आप अब चाहे किसी से भी लड़ लो प्राइम नंबर के ऊपर क्यों अब देख लो एग्जाम्पल क्या एक प्राइम नंबर है क्या क्या एक प्राइम नंबर है नहीं है क्योंकि केवल एक ही फैक्टर है दो प्राइम नंबर है यस तीन प्राइम नंबर है यस पांच प्राइम नंबर है यस ये सारे प्राइम नंबर है तो दो तीन पांच सात जिनके दो ही फैक्टर आएंगे और इसके अलावा नहीं होगा कोई भी ठीक है डेफिनेशन को इस तरह भाई खींच के लाइक वाइक किया करो यार एक साथ बढ़िया तरीके से अब आते हैं प्राइम नंबर की कहानी पर हेडिंग डाल लो प्राइम नंबर का खेल पेपर में पूछा जाने वाला सबसे पॉपुलर प्रश्न है प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का खेल सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो तुम्हारे लिए नहीं है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है एंटरटेनर है ना हाँ। इस, आइए इसका कोर्स नहीं रहा बेचारे प्राइम नंबर का खेल है अभाज्य संख्याओं का खेल अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है मैं आपसे पूछता हूं एक से लेके पच्चीस तक सबसे पहले सौ तक तो हमें आनी चाहिए यार चलो सौ तक लिखते हैं सभी लोग दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस छूट जाए तो बता देना कोई तेईस उनतीस इकतीस सैतीस तैतालीस त्रेपन सैंतालीस भी तो है तरेपन ठीक है लिखते जाओ है ना त्रेपन हो गई उसके बाद में इकतीस कुछ रह तो नहीं क्या रह जाए तो बता देना बाद में इंप्लीमेंट कर लेंगे है न इकतालीस रह गई शायद इकतालीस तैतालीस सैतालीस तरेपन फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन सेवेंटी वन और सेवनटी थ्री सेवनटी नाइन एटी थ्री एटी नाइन है पता है एटी सेवन लगती है लेकिन एटी नाइन है अच्छी चीज है ठीक है है ना एटी नाइन और नाइनटी सेवन देखना होगा ही क्या पच्चीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तो एक से सौ तक की जो भी है ना हाँ ठीक है ना एक से सौ तक की जो भी है वो मैंने आपके सामने लिख दी है पच्चीस एक से सौ तक कितनी संख्याएं हैं पच्चीस प्राइम नंबर है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैं बताऊंगा और आपको पता है कि इनको तो आपको केवल रटना पड़ेगा कोई फॉर्मूला नहीं है इनको निकालने का है ना लिखा क्यों रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी में मैंने देखा था ये पूछ लिया गया था कि प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का औसत अंतिम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत ये भी पूछ लिया जाता है तो अगर आपको पता रहेगा ना तो आप पेपर में कर पाओगे अन्यथा नहीं कर पाओगे कंफ्यूजन कहां, कहां रहता है वो भी मैं बताऊंगा क्योंकि सारा काम मेरा है आप मैं कह रहा हूं ना जो बच्चा इधर कर रहा है ये कर लू वो कर भाई साहब चुपचाप विश्वास है तो बेधड़क होकर पढ़ लो सामने मजा आ जाएगा आपको लेकिन आपको भरोसा है ये बात होनी चाहिए तीन बजे कैच द मैथ लगाओ ग्यारह बजे थ्योरी पढ़ो साढ़े बारह बजे अगर ग्रुप डी के बच्चे हो तो टेस्ट दो सुबह नौ बजे टॉपिक वाइज रिवीजन और फाउंडेशन बस अब एक बच्चा कह रहा है सर 93 नहीं है ना 93 तो तीन से डिविजिबल है कंफ्यूजन कहां रहता है कंफ्यूजन एक तो 89 में रहता है आप लोगों को यार 89 कैसे प्राइम नंबर है ठीक है और 97 में भी रह जाता है जबकि ये दोनों प्राइम नंबर है ठीक है आपको लगता क्या है 87 लगता है जबकि 87 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एटी क्या आता है उनतीस या सत्यासी होता है ट्वेंटी का मल्टीपल होता है ठीक है इए तो इसलिए ये काम की चीज है अब मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ चलो एक से लेके पच्चीस तक कितनी प्राइम नंबर है एक से लेके पच्चीस तक कितनी प्राइम नंबर है बताओ तो आप ये गिन के रखोगे या नहीं डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि पेपर में आप गिनने नहीं बैठ रहे हो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ है पच्चीस से लेके पचास तक कितनी है सर ये कैसे याद होंगे सब याद करा दूंगा पच्चीस से लेके पचास तक कितनी है छ पचास से लेके सौ तक कितनी है दस क्योंकि टोटल आपको कितनी चाहिए पच्चीस होनी चाहिए ठीक है माय डियर. लिख लिया यहां तक आइए हाँ. क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एसएससी में आया था कि 28 से एटी सेवन तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन ट्वेंटी एट बिटवीन तो मत लिखो हाउ मैनी प्राइम नंबर ट्वेंटी सेवन लिख लो चाहे कितनी प्राइम नंबर है, तो है कई बार बच्चों को हम्म तो कैसे पता लगाओगे तो आपको ये बता रखा है सर कि देखो एक से पच्चीस तक तो आपकी कितनी होती है नौ होती है और पच्चीस से लेके पचास तक आपकी कितनी होती है 6 होती है। और 50 से लेकर आपकी सौ तक दस होती है ये आपको पता है था ना हाँ तो आप यहां कैसे करोगे आपको चाहिए अट्ठाइस से 28 से चाहिए वैसे भी अभी सत्ताईस अट्ठाईस कोई भी नहीं है यानी कि पच्चीस के बाद सीधी उन्तीस आती है सॉरी पच्चीस से पहले जो आता है तेईस आता है उसके बाद सीधा उन्तीस आता है सही बात कह रहा हूं ना तो यहां हम कह सकते हैं कि सर नौ वाला खेल तो खत्म अब 25 से 50 के बीच में छह तो होगा हो ही होगा और अब आपको 87 से पहले कितनी है एक तो 97 है और एक 89 है ये दो हटा देनी है यानी कि कुल मिलाकर यहां से दो हटा दो बस आप क्योंकि बाकी जो होंगी वो 87 से पहले पहले हो जाएंगी क्या बोलते हो सही है यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा चौदह ऐसे ही काम की चीज है आ रही है बात समझ में बात समझ में आ रही है ये नौ तो ये खत्म अब छह तो चलेगा भाई पच्चीस से पचास तो आ ही रहा है पूरा और पचास से सौ में आपको अंतिम छोर से देखना है दो क्यों घटाया एटी सेवन के बाद वाली कितनी है एटी नाइन और नाइनटी सेवन एटी थ्री तो आएगा ठीक है तो इसी वजह से आपने ये दो घटा दिया तो देखो छह और आठ चौदह चीज पढ़ रहे हो इसलिए दिमाग मत लगाओ कहीं सिंपल सी चीज है आराम से हर चीज होगी जिसके मन में कोई फैक्टर वाला क्वेश्चन भी चल रहा है वो वो सारा होगा होगा जिसके मन में डिजिट वाला भी चल रहा है वो सब कुछ और ऐसे ही होगा मस्त पढ़ो तुम टेंशन लेते हो तो फिर कोई मतलब नहीं निकल कर आता है आइए चलिए अगला क्वेश्चन अगला कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट चलते हैं पूरा चार्ट बनवा देता हूं आप उस चार्ट को खा लेना फिर और इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है ना ध्यान रखना एक से पच्चीस तक की कितनी प्राइम नंबर है दोबारा दोबारा लिखो एक से पच्चीस तक प्राइम नंबर लाइन वाइज लिखते जा रहा हूं फिर एक साथ नंबर डाल दूंगा सब में है ना एक से पच्चीस तक की पता है एक से पचास तक की लिखवा रहा हूं मैं ना एक से पच्चीस एक से पचास एक से सौ या एक से पिचहत्तर एक से सौ अंतर बीच में निकालना हो ना तो अभी वो भी सिखाऊंगा ठीक है एक से एक सौ पच्चीस एक से एक सौ पचास एक से एक सौ पचहत्तर ठीक है एक से दो सौ और एक से तीन सौ एक से चार सौ हालांकि इतना पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी लिखा देता हूं एक से तीन सौ एक से चार सौ एक से पांच सौ और एक से एक हजार आपको तो सौ तक याद रखोगे मोर देन सफिशियंट है लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि अगर नोट्स में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है लिखते जाओ एक से पच्चीस तक की गुरुजी जी नौ होती हैं और एक से पचास तक की कितनी होती है पंद्रह और नौ देखो घटा लोगे तो छह आ जाएंगी ना बीच में पच्चीस से पचास तक की ऐसे है ठीक है एक से पिचत्तर की हो जाती है इक्कीस तो देखो प, 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 पचास से पिछहत्तर की कितनी हो गई छ से सौ तक की कितनी हो जाएगी पच्चीस यानी कि पिचहत्तर से सौ की, की बीच में कितनी चार एक सौ पच्चीस तक की कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी अपने पास पच्चीस तीस फिर पांच आ जाती है बीच में और और पांच भी बताऊं कौन कौन सी हैं एक सौ एक है एक सौ तीन है एक सौ क्या कहते हैं एक सौ एक सौ दो एक सौ एक सौ तीन एक सौ सात एक सौ नौ हाँ एक सौ ग्यारह तो 113 एक सौ तेरह प्राइम नंबर आती है तो एक सौ नौ फिर एक सौ तेरह हो गई ठीक है ऐसे तो ये तीस हो गया और डेढ़ सौ तक की कितनी है पैंतीस यहां भी पांच है पांच पांच का गैप है देखो सौ के बाद में याद रखने का तरीका है, यहां भी पांच का गैप है चालीस एक से दो सौ के बीच, बीच में कितनी हो गई? अब सौ का आ गया सीधा बासठ यहां अठहत्तर यहां पिचानवे और यहां पांच सौ से एक सौ अड़सठ लिख लेना सर रटना है क्या इसका तो कोई मतलब नहीं है कि इतना लेन देन नहीं जाएगा लेकिन यहां तक आपके लिए जरूरी है 200 तक तो आपको रख होना मतलब 200 याद होना आपको है ना 200 तक याद होना 100 101 एक है 103 तीन है 107 सात है 101 103 एक 109 113 तीन सात नौ तेईस सही है क्या 101 103 एक 113 है Hmm, 109 नहीं एक सौ पता नहीं क्या है आगे देखना पड़ेगा चलो देख लेंगे जो भी है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को आइए अब आगे चलते हैं प्राइम नंबर यहां तक लिख लिया और यार टाइम हो गया हाँ एक सौ ग्यारह तो सैंतीस का डिग्री एक सौ ग्यारह नहीं है एक सौ ग्यारह तो सैंतीस से गुणा ज्यादा सैंतीस इंटू तीन कोई बात देख लेंगे चलो यहां तक ठीक है अब यहां से अपन मंडे को करेंगे क्योंकि अगली क्लास अब मंडे को होगी है ना और कल क्या होगा कल स्टेटिस्टिक्स के टॉप तीस क्वेश्चन होंगे ठीक है कल स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी के टॉप तीस क्वेश्चन कराने वाला हूं कल ग्यारह बजे ठीक है और संडे को ग्यारह बजे होगा एमपी पुलिस का पेपर तो मंडे को अभी ये होगा क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलता है ठीक है अच्छा भाई आज क्या क्या और होने वाला है ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे अभी आप करो तो कर लेना बाकी मैंने सारे क्वेश्चन डाले करीबन पचास क्वेश्चन है ना तो ये हम बाद में करेंगे एक साथ ही एक बार में हो जाएंगे दस पंद्रह मिनट में रोमन वाले कर लेना आज क्या क्या होने वाला जरा देखिए अभी अपना साढ़े बारह बजे अभी अपना जो आज शाम को देखो साढ़े बारह बजे तो क्लास होगी आज शाम को पांच बजे यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करने वाले हैं दस मिनट में तो छोटी छोटी वीडियो आएंगी आज शाम को डेली सोच मतलब हर 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 शुक्रवार आती है छोटी छोटी वीडियो मजा नहीं आए तो फिर मेरे से आप कहना एक बार पांच बजे यूनिट डिजिट के सभी कंसेप्ट सभी तरह के प्रश्न साढ़े पांच बजे अलजेबरा के जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं मात्र दस मिनट में खत्म छह बजे टिग्नोमेट्रिक के जो दस क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर में दो में भी बहुत बार आए हैं वो सारे एक ही वीडियो में करवा दूंगा छह बजे शाम को और साढ़े बजे एमडीएच बेस्ड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो भैया उड़ा देना है आना है दस दस मिनट में निपटा देना है सब चैप्टर्स को पांच साढ़े पांच छह साढ़े खत्म काम ठीक है चलिएगा चल चल तीन बजे कैच द मैथ सब ले रहे हो ना भाई रेगुलर लेते रहो कैच द मैथ उड़ाते रहो एक पेपर डेली लगाओ डेली एक पेपर अन अकेडमी पर मिलता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी आपको नौ बजे पाइप और सिस्टम होगा कल से

फीचर आज के फीचर सारे फीचर आपको मिलेंगे साहिल लगाकर आज ही जुड़िएगा आज कुछ खास ऑफर भी आपको मिलेगा साहिल 10 से जुड़ने पर तो जुड़ना ना भूलें मेरे साथ अनकेडमी पर तो टेक केयर लव यू ऑल मिलते हैं आपसे अगले सेशन में साढ़े बारह बजे टेक केयर बाय बाय